नमस्कार दोस्तों, रिपेयरिंग विथ निरंजन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल्युमिनियम की रिपीट के विषय में बात करेंगे, जो कि एक रिपेयरिंग कर्ता के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप रिपेयरिंग का काम करते हैं, छोटा से लेकर बड़ा तक, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा वीडियो आज का लंबा होगा दोस्तों, लेकिन काफ़ी जानकारी से लवरेज होगा, इसे आप जरूर हासिल करें। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा रहा, अच्छा रहा तो अच्छा, खराब रहा तो खराब। तो मैं शुरू करता हूं, ज़्यादा कीमती समय नहीं लूँगा, क्योंकि अभी मैं जिस तरह का वीडियो दे रहा हूं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, एक तो छोटे रिपेयरिंग के लिए या बड़े रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। तो मैं फटाफट शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं ढेर सारे मेरे पास बर्तन हैं, ठीक है। आप अचंभित होंगे कि इतने इतने बर्तन ये भाई साहब हमें क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसके पीछे कारण है दोस्तों, अभी हमारे पास बहुत तरह के रिपीट हैं। मैं एक एक रिपीट के बारे में बताऊंगा, यह रिपीट कहाँ पर प्रयोग होता है और यह कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सबसे छोटा रिपीट के बारे में बात करूँगा, ठीक है। आप हमारे साथ लगातार बने रहे। तो सबसे छोटा रिपीट मेरे हाथ में आ गया, देख सकते हैं दोस्तों, यह एल्युमिनियम का रिपीट है, सबसे छोटा रिपीट जो हमारे काम में आता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम इस तरह के बक्सा में, मैं आप सामने लाता हूँ, इस तरह के बक्सा जो देख रहे हैं, ये बक्सा के, इसमें रिपीट यही लगते हैं, एल्युमिनियम के, लोहे के भी रिपीट लगते हैं इसे ठोकने में। और कहीं कहीं इस तरह के हमारे जुगाड़ जो रहते हैं, देख सकते हैं, इसे कहीं पे हम क्लिप के काम में इसे उपयोग में लाते हैं। तो पहला सबसे छोटा रिपीट है यह, एल्युमिनियम के है। तो इसका काम एक यहाँ पे लगा, दूसरा बक्सा के किसी भी कोने पे यह उपयोग में लाया जाता है, और तीसरा अगर आप बर्तन से जुड़े हुए हैं और इस तरह का आपका यह रिपीट निकल गया है, देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर का या लोहे का रिपीट है, अगर यह निकल गया तो आपका यह एल्युमिनियम का रिपीट काफ़ी काम के है, ठीक है दोस्तों। और भी इस रिपीट का कहीं कहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा पहला तरह का रिपीट हो चुका। अब मैं पारी पारी से आपको एक एक रिपीट के बारे में बताता हूँ। फिर दोस्तों, उससे थोड़ा सा बड़ा रिपीट है मेरे पास, जो कि मैं भी आपको दिखाता हूँ, उससे बड़ा रिपीट, ये देखिए, यह, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो मैं भी आपको बताता हूँ। इसका प्रयोग हम कढ़ाई के हैंडल, जैसा कि देख रहे हैं, जैसे कढ़ाई का जो हैंडल रहता है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह मेरे पास कढ़ाई के हैंडल का रिपीट है। तो इसे इस तरह से लगाकर, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें इसी तरह का रिपीट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह हमारा, अब तीसरा हम आएंगे इस रिपीट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यह रिपीट हमारा इसे बाल्टी वल्टी इस तरह से देख सकते हैं, अगर इसका हैंडल कबड़ जाए तो हम इस तरह का रिपीट लगा सकते हैं, और साथ में हम यह जो कुकर का देख रहे हैं, कुकर का हैंडल, इसमें भी हम इस तरह का रिपीट लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं, इस तरह का रिपीट का प्रयोग। यह हमारा तीसरे तरह का रिपीट है, इस तरह का लग जाएगा। एक और इसी का रिपीट आता है, जो कि हॉकिंस का है, आप देख सकते हैं, यह मिस मेरी हॉकिंस, तो इसमें इस तरह का रिपीट लगता है, ये देख सकते हैं, यह थोड़ा मोटा है, तो इस तरह का रिपीट आप लगा सकते हैं। फिर सभी हम आएंगे अलग तरह के रिपीट में। यह देख रहे फ्राई पिन, अगर इसका रिपीट अगर आपका निकल गया है तो आप इसमें दे सकते हैं इस तरह का रिपीट, ये देखिए थोड़ा मोटा है, और इसका जो सिर है यह गोल है, देख सकते हैं इसका सिर गोल है। अगर इस तरह का रिपीट कबड़ गया है तब ग्राहक को लगा सकते हैं और ग्राहक से अच्छा पैसा ले सकते हैं।
फ्राई पिन था। अब एक है सस्पेंड, देख सकते हैं। तो सस्पेंड में हमारा इस तरह का रिपीट लगेगा, ये देख सकते हैं, यह चिपटा रिपीट, ठीक है, इस तरह का चिपटा रिपीट यह हमारा सस्पेंड में लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर यह सस्पेंड किसी का कबड़ जाता है तो आप इस तरह का रिपीट लगा सकते हैं, चिपटा रिपीट, ठीक है। और ये देख सकते हैं, कभी कभी हमारा नट बोल्ट जो स्लिप कर जाता है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में हम इस तरह के छोटे रिपीट का प्रयोग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इस तरह का रिपीट का हम इसमें प्रयोग इस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सी से होल करके ये काफ़ी आसानी से रिपीट हो जाता है, देख सकते हैं। तो इस तरह से हम जार में भी इस तरह का रिपीट का प्रयोग कर सकते हैं। मैं भी आपको एक करके सारा रिपीट के बारे में, या देख सकते हैं कढ़ाई का हैंडल जैसे टूट गया, ठीक है, तो अभी हम इसे बनाना है, तो इस तरह का कढ़ाई है, तो इसमें हम लेते हैं इस तरह का रिपीट, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह का थोड़ा बड़ा रिपीट, ये देखिए, तो इसका प्रयोग हम करते हैं, इस तरह के कढ़ाई के हैंडल टूट गए हैं उसमें प्रयोग करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास प्रेशर कुकर है, इस तरह प्रेशर कुकर है, तो इसमें भी हम इस तरह के रिपीट प्रयोग करते हैं, ठीक है, इस तरह के चार रिपीट यहाँ पे लगते हैं, एक दो हैंडल में, मेन हैंडल में, तीन चार, ठीक है, इस तरह के रिपीट का प्रयोग करते हैं। और साथ में इस तरह के रिपीट हम यहाँ भी प्रयोग में लाते हैं, ये देख सकते हैं, इसका जो साइड हैंडल, मेन हैंडल, साइड हैंडल में इस तरह का रिपीट का प्रयोग करते हैं। अब हमारे पास बड़ा वाला रिपीट, ये देख सकते हैं, तो बड़ा वाला रिपीट का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों इस तरह के डेग में, देख सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े खड़ा होकर बड़े बड़े, जैसे हम लोग खाना में पीना बनाते थे इस तरह के, जिसका सिर देख सकते हैं चिपटा है, तो इस तरह के रिपीट हम इसमें अगर हमारे निकल जाए तो सब प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास काफ़ी अधिक मात्रा में अनेक तरह के रिपीट है दोस्तों, मैं भी आपको एक एक करके दिखा देता हूँ मेरे पास कितने तरह के रिपीट हैं, और आपको भी कितने तरह के रिपीट की आवश्यकता पड़ेगी। पहले तरह का यह है, देख सकते हैं इस तरह से, दूसरा यह है, और मैं आपको दिखाते जाता हूँ कितने तरह तरह के रिपीट हमें अगर रिपेयरिंग करनी है तो हमें इतने प्रकार की रिपीट होना काफ़ी आवश्यक है दोस्तों, तभी हम कोई भी काम को सुचारू रूप से कर पाएंगे। देखिए एक दो तीन चार तरह के हुए, और यहाँ एक तरह के, पांच तरह के, देखिए यहाँ पे पांच तरह के, और एक छोटा है छह तरह के, और एक यह देख रहे हैं सात तरह के, एक यह देख रहे हैं आठ तरह के, और एक देख रहे थोड़ा लंबा वाला नौ तरह के मेरे पास अभी अवेलेबल, इतने तरह के रिपीट है दोस्तों, आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इस तरह दोस्तों, एक इस तरह का भी हमारा जो हैंडल कहीं कहीं लगता है तो इसमें भी हम इस तरह के रिपीट को डाल सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, यह भी हमारे ढक्कन में या कहीं भी लगता है। इस तरह दोस्तों, आपको हमारे वीडियो देखने से कुछ फायदा हुआ हो तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, और बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबाएं ताकि इस तरह के वीडियो आपके मोबाइल में सरसरा के जाके घुस जाए और सबसे पहले आपको मिले। इस तरह आपको हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।